Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli girls campus on May 5th. सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पंजाब पुलिस ने गेहूं संकट के बीच किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। 200 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यहां पर डिजिटल डेस्क लाहौर की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब पुलिस ने गेहूँ खरीद संकट के बीच मंडे को प्रोटेस्टर्स किसानों पर लाठीचार्ज किया और लाहौर में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब प्रांत में गेहूँ की बंपर पैदावार के बाद किसान शिकायत कर रहे हैं और सूबे की मरियम नवाज सरकार गेहूँ नहीं खरीद रही है और आटा मिले उनकी फसलों के लिए सरकार में निर्धारित समल्ले यानी के पैसों के दाम कम करने की पेशकश चल रही है। संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार को आम लोगों के साथ किसानों से कोई परवाह नहीं है। गेहूं की बंपर पैदावार होने के बावजूद सरकार किसान के सपोर्ट में नहीं खरीद रही है। पीटीआई से मिली इख्तला के मुताबिक पंजाब प्रांत में आटा मिले उनकी फसलों के लिए सरकार सपोर्ट मूल्य के दामों से कम पर पैसा दे रही है। उनके पास फसलों के भंडारण की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उनका गेहूं खराब हो सकता है। उनकी चिंता होकर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई हैं। बात अगर अब करें कनाडा की तो खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले में एक्शन में कनाडा पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कैनेडियन बॉय स्ट्रिंग कॉरपोरेशन ने यह दावा किया है कि अधिकारी कनाडा में 3 कत्ल को संभावित कनेक्शन की जांच कर रहे हैं, जिसमें एडमोंटन में 11 साल के लड़के की घातक गोलीबारी में भी शामिल है। कनाडा की पुलिस ने पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया के वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से जुड़े कथित हिट स्क्वाड के सदस्यों को जुमे को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कैनेडियन बॉय स्ट्रिंग ऑपरेशन के हवाले से इख्तला दी है। रिपोर्ट्स के माने तो सामने आया है कि जांचकर्ताओं ने कुछ महीने पहले कनाडा में लोगों की पहचान की थी और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया था। रॉयटर्स ने कहा है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के इस बारे में तुरंत कोई अपनी गवाही नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिट स्क्वाड के कथित सदस्यों ने सरे आम गुरु नानक सिख द्वारे में निज्जर का कत्ल के दौरान वहां पर शूटर, ड्राइवर और जासूस के रूप में अपने अपने कैरेक्टर्स निभाए हैं। अब बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने कई मौके पर हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाए हैं। बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कई मौके पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल को लेकर हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने हाल ही में खालसा दिवस के मौके पर टोरंटो के एक प्रोग्राम में शिरकत की थी, जिसमें खालिस्तान के सपोर्टर्स में नारेबाजी भी की गई थी। बात अगर अब करें नेपाल की तो नेपाल की हरकतें अलग ही लेवल की चल रही हैं। 100 रुपए के नोट पर हिंदुस्तान के इलाकों को अपना बता दिया, पहले मिल चुका है जवाब, उसके बावजूद ये हरकत हुई है। जुमे को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचार ने अपनी मंत्री पद की बैठक में नेपाल के नए मानचित्र को 100 रुपए के नए नोट पर छापने का फैसला किया है। भारत के सबसे करीबी देश नेपाल एक बार फिर से विवाद खड़ा करने की कोशिश में लगा है। उसने ऐलान किया है कि वो अपने 100 रुपए के नए नोट में लिपुलेख, निपी या द्वारा काला पानी को दिखाएगा। इन तीनों गांव ऐसी हैं जहां पर लेकर भारत के साथ विवाद हो चुके हैं। भारत ने इन सोर्सेस पर नेपाल के दावे को विस्तार और अस्थार करार दिया है, मतलब ये इलीगल है। जुमे को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने अपनी मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया है। ऐसे में सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले के बारे में इख्तला देते हुए ये जानकारी मीडिया सोर्सेस को दी है। रेखा शर्मा खबर और संचार मंत्री भी, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने 25 अप्रैल को और 2 मई की हुई बैठकों के दौरान 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट के बैकग्राउंड में पुराने इलाकों को बदलने की मंजूरी दे दी। 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान करके 3 ऐसी जगहों को जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिपियांधुरा के क्षेत्रों को शामिल करके देश के राजनीतिक को फिर से अपडेट करने की अपनी फैसला सुना दिया है। इस पर हिंदुस्तान की तीखी प्रतिक्रिया को एक दफा कर दिया गया है। अब देखना यह कि भारत इसको लेके सामने से कैसा वार करता है। बात अगर आप करें रूस की तो रूस की इस हरकत से छिड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। आग बबूला हो गया है अमेरिका। फ्रांस ने भी कहा है कि अब खैर नहीं है। 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे इस वॉर ने अब नया रुख ले लिया है। रूस पर यूक्रेनी सैनिकों के रासायनिक गैस का इस्तेमाल करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिससे अमरीका और फ्रांस बौखला उठा है।
जैसे कहा जाता था कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, मगर जो आम तौर पर अनैतिक यानी कि इलीगल होता है उसका अक्सर विरोध किया जाता है। 2 साल से ज़्यादा वक्त से चल रहे इस रूस यूक्रेन युद्ध ने अब नया रुख ले लिया है। रूस पर यूक्रेनी सैनिकों पर राय यानी गैस का इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम लग गए हैं। रूस की इस हरकत में अमरीका और फ्रांस भी अब एक हो गए हैं। अमरीका ने इस मामले में मॉस्को से भी बातचीत करी है। अमरीका का दावा है कि वॉर के मैदान में रूस क्लोरोपिक्रीन का इस्तेमाल कर रहा है। इल्ज़ाम है कि रूस नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आंसू गैस के रूप में किया जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को दंगा एजेंट भी कहा जाता है। इस गैस के इस्तेमाल से देशों में इलीगल जमावड़ों के तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल होता है। गैस आँखों से लगातार पानी लाता है और आँखों में जलन और स्किन पर एलर्जी पैदा करता है। हालाँकि अगर इस गैस का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो ये फेफड़ों को नुकसान भी पहुँचाता है। की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई लुबना उस्मान, एकेडमिक हेड सक्सेस द स्कूल। वेलकम टू द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड पुरानी हवेली गर्ल्स कैंपस, वेयर एक्सीलेंस मीट्स एम्पावरमेंट। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक व्हाट मेक्स दिस कैंपस सो स्पेशल। विद टॉप नॉच सिक्योरिटी मेजर्स, पेरेंट्स कैन रेस्ट नोइंग देयर डॉटर्स आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice.